तो फ्रेंड्स अक्सर आपकी कमेंट आते हैं, सर आप सारी वीडियो रोड पर क्यों बनाते हो? यार सीधी बात का एक जवाब, फ्रेंड्स मैं रोड पति हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं जमीन खरीदने को, ऑफिस खरीदने को, यार क्या करूँ मैं। खैर छोड़ो फ्रेंड्स बात को। दोस्तों आपकी काफ़ी कमेंट आती है कि सर हमें कोई साइंस प्रोजेक्ट बना के दिखाइए, हमें कॉलेज में दिखाना है। तो दोस्तों बता दूँ मैं आपके लिए, मैं सोचा कि कुछ सर्च करूँ, आपको कुछ गिव अवे करूँ। तो फ्रेंड्स मैं अमेजोन पर सर्च कर रहा था तो मुझे किट मिली SNY GG, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स बता दूं कि काफ़ी अच्छी किट है और काफ़ी सस्ती मुझे मिली है ये, और वैसे तो प्राइस 1490 रुपये है, लेकिन आप अगर सर्च करोगे SNY GG की कंपनी का ये जो किट है तो काफ़ी आपको सस्ती मिल जाएगी। और फ्रेंड्स बता दूं कि आप इससे कम से कम 50 से 100 प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। जी हाँ, मतलब अगर आपकी क्रिएटिविटी को प्राप्त बात है। और दोस्तों इसके अंदर एक बुक भी दी गई है जिससे आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको परचेस करनी हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर इसे परचेस कर सकते हो। और मैं फिलहाल इसका गिव भी करूँगा, तो दोस्तों आप देख सकते हो। और काफ़ी बंदों की कमेंट आती है आपको क्यों चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको क्यों चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट उसमें कमेंट कीजिए, एक बंदों को मैं जरूर दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपके लिए ये परचेस की है। और अगर आपको इसके प्राइस देखने हो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, अमेजोन का मैं इसके नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर इसे परचेस भी कर सकते हो। और अगर आप इसके अलग अलग पार्ट परचेस करते हो तो डेफिनेटली काफ़ी कॉस्टली आपके पड़ जाएगा, लेकिन आप ये वाली किट खरीद तो फ्रेंड्स तो काफ़ी आपको सस्ती मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों एक बात और बता दूँ, अगर आपको गिव में पार्ट लेना, यानी कि पार्टिसिपेशन लेना है, तो आप नीचे मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए, और मैं इसका जो आपसे 15 दिन बाद, यानी कि आज से 15 दिन बाद, यानी कि 6 दिसंबर को जो इसका गिव अवे रिजल्ट होगा वो अनाउंस कर दूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर, समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स समर एक्सपेरिमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स SNY GG आई इंजीनियर साइंस एक्सपेरिमेंट किट की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, जो कि एमआर प्राइस आपको दिख रहा है 1490 रुपये। फ्रेंड्स अगर आप इंटरेस्टेड हो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में या साइंस एक्सपेरिमेंट में तो आपके लिए बेस्ट किट है, और इसके अंदर लगभग 108 कंपोनेंट दिए गए हैं। और फ्रेंड्स जो आप ये इंस्ट्रक्शन गाइड देख रहे हो, इसके अंदर 20 से लेकर 25 प्रोजेक्ट आपको विद इमेज, तो आपको आसानी के बच्चा भी बना लेगा, दिए गए हैं। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन आपको जो कंपोनेंट है ये ओपन करके दिखाता हूँ, तो आप देखते हैं फ्रेंड्स आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी कंपोनेंट के रिलेटेड। तो आप देखिए माइक है कंडेंस में, जो कि अच्छा माना जाता है, और दो इसके अंदर 100K के रेजिस्टेंस दिए गए हैं क्वार्टर वाट में। तो आप ये प्रोपेलर देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें 4 टाइप की प्रोपेलर दिए गई हैं, तो दूसरी टाइप की होगी और 2 टाइप की पैकेट के अंदर दी गई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और फ्रेंड्स एक बार मैंने पुली सर्च किया तो यार काफ़ी कॉस्टली मिल रही थी पुली, तो मैं खरीद नहीं पाया, तो फिर मैंने खुद बनानी पड़ी। तो पुली भी इसके साथ आपको मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये 4 रबड़ बैंड है इसके साथ, और रबड़ बैंड तो आप ले सकते हो, लेकिन पुली आपको नहीं मिलेगी ईजिली इतने कम प्राइस में। ये 1K का रेजिस्टेंस है क्वार्ट वाट में, 10 पीस, जो कि काफ़ी काम आते हैं आपके। तो फ्रेंड्स 4 DC मोटर दिए गए इसके अंदर, जो 3 DC मोटर हैं वो 140 नंबर के हैं, जो गौर आप देख रहे हो ये 140 नंबर के मोटर हैं, 2 सिंपल हैं और 1 डबल शाफ्टेड मोटर है। और फ्रेंड्स ये वाइब्रेटर है, यार इतना हार्ड इसकी वाइब्रेटर है कि आप 1 मिनट भी पकड़ नहीं सकते इसे चलाने के बाद। और ये फ्रेंड्स 4 AA साइज की बैटरी है, बैटरी होल्डर 9 वोल्ट की बैटरी। तो आप देखते हैं फ्रेंड्स मैं आपको वन बाय वन दिखा रहा हूँ। और ये परमानेंट मैग्नेट है, यार मैग्नेट की मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो मैग्नेट तो काफ़ी अच्छी बात है, मैग्नेट मिलते नहीं इजीली, और अगर आप इस पे को तोड़ोगे तो ऐसी राउंड में मैग्नेट तो बिल्कुल नहीं बना पाओगे। तो 2 टाइप की मैग्नेट है, क्योंकि दोस्तों फ्री एनर्जी या दुनिया भर की वैसे फ्री एनर्जी होती है तो नहीं है, लेकिन लोग बनाते हैं मैग्नेट से, तो आप ट्राई कर सकते हो इसे लगाने के बाद। और ये 6 टाइप की राउंड में आपको दी गई है सर्कल में मैग्नेट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, आसानी से नहीं मिलती है। और फ्रेंड्स ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बजर है जो कि 9 to 12 वोल्ट का बजर है, और ये आपको 5 से 6 SP ST स्विच है, जो कि अपनी वीडियो में लगाता रहता हूँ, और कुछ छोटे SP ST स्विच भी दिए गए हैं इस टाइप के, तो आप लगा सकते हो। और फ्रेंड्स ये क्लिप दी गई हैं जिन्हें चिमटे कहते हैं हिंदी में, तो ये बैटरी DC और AC में दोनों में यूज़ कर सकते हो चिमटे को। और जो नीचे देगा फ्रेंड्स ये है पुश बटन, तो इसे भी आप हॉर्न में बाइक में यूज़ कर सकते हो, वैसे कई जगह आप इसे लगा सकते हो, मैं प्रोजेक्ट में भी ईजिली यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स एक स्विच का टाइप ये है, तो आप यानी कि काफ़ी प्रोजेक्ट से बना सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी पर बात है। और ज़्यादातर आप पता है कि मैं बैंड स्विच भी यूज़ करता हूँ, तो 2 सिंपल छोटे बैंड स्विच और एक यानी कि डबल मोड में बैंड स्विच में दिया गया है। 2 जो स्विच हैं फ्रेंड्स वो 1 मोड है, और ये जो बड़ा स्विच है ये 2 मोड में दिया गया है, तो काफ़ी काम की चीज़ है। और ये फ्रेंड्स ये सब जिंक एंड कॉपर की प्लेट दी गई हैं, बैटरी आप बना सकते हो साइंस एक्सपेरिमेंट में, आप पोटैटो बैटरी या वाटर सोल्ड बैटरी बना सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और ये कुछ वायर हैं ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेट इससे बना सकते हो, और कुछ वायर हैं जिन पे PVC या कोटिंग चढ़ी हुई है, तो ये भी आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ ले सकते हो।
तो कुछ स्क्रू ड्राइवर है। वैसे फ्रेंड्स स्क्रू ड्राइवर आपके पास काफ़ी इजीली मिल जाएगा, लेकिन ये इसके अंदर एक्स्ट्रा दिया गया है। कुछ फायर सेंसर है, तो इसका फ्रेंड्स मैं आपको प्रोजेक्ट बना कर दिखाऊंगा, तो आप देखते रहिए वीडियो को। और कुछ LEDs हैं, 5mm, 10mm या 10-12mm की LED हैं, तो मैं आपको थोड़ा कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप 5mm की LED है जो मेरे हाथ में है, और ये दूसरी फ्रेंड्स ये 10-12mm की LED है, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस लग रहा है यार। तो देखिए और देख सकते हो आप, ये कुछ 8mm की LED भी इसके साथ दी गई हैं और कलरफुल LED दी गई हैं। तो अगर आपको नहीं मिलती तो आप किट में, तो टोटल आपको सारी चीज़ के अंदर मिल जाएगी। ये BC547 ट्रांजिस्टर आपको दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है फ्रेंड, इससे काफ़ी प्रोजेक्ट बनते हैं। तो आप देखिए टोटल मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो टोटल 108 कंपोनेंट इसमें आपको मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो लगा इसमें सारी चीज़ आपको दी गई हैं जो कि प्रोजेक्ट में आपको चाहिए। पुली हो गया, तो आप कार बना सकते हो, फायर अलार्म बना सकते हो, और भी मतलब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर बात है, काफ़ी चीज़ें आप इससे बना सकते हो। तो चले फ्रेंड्स कुछ प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं भी आपको कुछ प्रोजेक्ट बना के दिखाऊँ इससे ही। तो चले फ्रेंड्स कुछ प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यह मैं आपको बना रहा हूँ फायर अलार्म। तो ये 9 वोल्ट की बैटरी आपको चाहिए, और एक आपको फायर जो सेंसर है ये चाहिए, और एक आपको बजट चाहिए। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, बच्चा भी इसे बना लेगा इजीली। तो पहले मैं कनेक्ट कर देता हूँ 9 वोल्ट की बैटरी से 9 वोल्ट कनेक्टर, और माइनस जो कि नेगेटिव वायर है इसे आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। और इन दोनों के बीच फ्रेंड ये मैं जोड़ दूँगा फायर सेंसर। इसका फायर सेंसर का सिस्टम ही कुछ थोड़ा अलग है, तो अभी मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली लाइव करके दिखाऊंगा। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, आप कोई सा वायर किधर कनेक्ट कर सकते हो फायर सेंसर में। अब दोस्तों जब मैं इसे थोड़ा हीट करूँगा किसी भी लाइटर से या किसी भी आप इसे फायर दे सकते हो, तो अभी आपको आवाज़ सुनाई आ जाएगी, एकदम से ये बजने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट इस टाइप का दिया गया है थोड़ा सा हल्का सा अपनी जगह से हट जाता है हीट होकर, और वहाँ जाकर टच हो जाता है जहाँ पे बैटरी आपस में टच हो जाती है। देखिए इस तरीके से आपको आवाज़ आ रही होगी, तो यार बहुत तेज़ आवाज़ है। और जब ये ठंडा होगा ना फ्रेंड्स, जो भी ये सेंसर है, जब ये ठंडा होगा उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मैंने कपड़े साफ़ किया जब जाके ये बंद हुआ, नहीं काफ़ी देर तक चलता रहा, तो मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए जो इसका एलिमेंट अंदर लगा है, जिसके अंदर वायर इस टाइप का है, वो थोड़ा हीट होकर अपनी जगह से हिलकर दूसरी जगह टच हो जाता है, जिससे कि ये बजने लगता है, लेकिन बाद में फिर सेट हो जाता है दोबारा ये। तो देखिए काफ़ी लाउड आवाज़ इसकी जो बजर है, तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा आपको करीब से दिखा रहा हूँ जिससे आप इसको देख सकें किस तरीके से ये वर्क करता है। तो आप इसे बना सकते हो, और मैं आपको अभी एक दूसरा प्रोजेक्टिव बनाकर दिखाऊंगा। तो पहला आप इसे थोड़ा करीब से देख सकते हो कि किस तरीके से, इसके अंदर कुछ नहीं है फ्रेंड ज़्यादा, बस एक वायर है जो कि लग जाता है दूसरे वायर से हीट होकर। तो चले फ्रेंड्स मैं आपको कुछ, वैसे तो मैं इसे जो प्रोजेक्ट है क्योंकि आपकी चीज़ है, तो मैंने वापस ऐसे ही रख देता हूँ जैसे कि रखी है, क्योंकि मुझे गिफ्ट आपको देना है। और चले फ्रेंड्स सेकेंड प्रोजेक्ट अपना बना के देख लेते हैं किस तरीके से हम बनाएंगे सेकेंड प्रोजेक्ट। बहुत सिंपल है, हमें कंडेंसर माइक चाहिए, 200K रेजिस्टेंस चाहिए, वैसे तो एक चाहिए इसके अंदर दो हैं, और एक LED आप कोई सा कलर के ले सकते हो, एक BC547 का रेजिस्टेंस, एक 9 वोल्ट की बैटरी और एक कनेक्टर ले सकते हो। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा। तो BC547 का आपको दो लैग जो दिख रही हैं, इसमें आपको सीधा जो कंडेंसर माइक है इसके वायर लगा देना है, मिड में आपको फ्रेंड्स पॉजिटिव, और जो आपका थर्ड पॉइंट है इसमें आपको नेगेटिव लगानी है। अब जो ट्रांजिस्टर के फर्स्ट लैग पर मैं लग कनेक्ट कर रहा हूँ, ये LED की नेगेटिव यानी कि माइनस लैग कनेक्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स बन गया लगभग आपका ये एक जो 100K का रेजिस्टेंस लगाना है, मिड में लगा दीजिए ट्रांजिस्टर के मिड लैग पर, और जो दूसरा सिरा बचा फ्रेंड्स वो LED की पॉजिटिव लैग्स पर लगा दीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स इतनी आसानी से बन गया आपका म्यूजिक रिएक्टिव प्रोजेक्ट, जो कि काफ़ी आसान था। और अभी मैं आपको बैटरी के भी वायर दिखा देता हूँ आपको। तो LED के पॉजिटिव पर पॉजिटिव बैटरी का, और ट्रांजिस्टर के थर्ड लेग पर आपको नेगेटिव कनेक्ट करना है। अभी दोस्तों मैं इसको आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, तो इस तरह का आप, चलिए मैं इसको टेस्ट करके दिखा देता हूं, तो आप थोड़ी देर सुन लीजिए। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, आप जैसे देख पा रहे हो, और भी आप कोई कलरफुल LED लगा सकते हो, और भी आपको अपने हिसाब से कोई से भी आप अपनी LED लगा सकते हो कलर की। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट मैंने कर दिया है, और जैसा मतलब मैंने यूज़ किए हैं कंपोनेंट मैं ऐसा ही पैक कर दूंगा। आप देख सकते हो मेरे हाथ में जो मैंने माइक और रेजिस्टेंस यूज़ किए थे वो सारे मैं एज़ इट इज़ रख रहा हूँ जैसे थे, और क्योंकि यार ये आपके लिए मैं ले गया हूँ तो मैं आपको दूंगा, तो कुछ भी मैंने इसमें से नहीं लिया है, जैसा था ऐसे फ्रेंड्स के अंदर रख दिया है।
और अब मैं इसे पैक करूँगा। फ्रेंड्स मैंने आपको वन बाय वन कंप्लेंट दिखाए, आपको प्रोजेक्ट बना के दिखाए, यार एक लाइक तो बनता है वीडियो पर। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको किट परचेस करनी हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको परचेस कर सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने काफ़ी कम पे करने के बाद ये किट परचेस की है। तो चले फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप जुड़े समर एक्सपेरिमेंट से। थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं।